तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको बताया, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक न्यू जानकारी के साथ, एक न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से कल की डेट में दोस्तों रिजल्ट आया है PA का, पर्सनल असिस्टेंट का दोस्तों रिजल्ट आया है आपका फाइनल के लिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर कुछ जो प्रॉब्लम्स है या फिर आपको यहाँ पर कुछ संबंधित जानकारी में रिजल्ट है तो वो हम देखेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया कल की डेट में नोटिस अलोंग विद द लिस्ट एलिजिबल एंड इलिजिबल कैंडिडेट फॉर मेन एग्जाम पर्सनल असिस्टेंट हाईकोर्ट 2021। तो इसको करेंगे हम ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको PDF दी गई है। PDF दोस्तों यहाँ पर है, कल की डेट में ही अपडेट आया, जिसमें दिया गया है उच्च न्यायालय में निज सचिव निज सहायक के पर्सनल असिस्टेंट 2021 की भर्ती के लिए 10/6/2022 तक आवेदन पत्र प्रेषित किए गए थे। इसके बाद आपको रिजल्ट भी दिया गया था। रिजल्ट के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की ऑनलाइन जो मुख्य परीक्षा थी उसका भी दोस्तों यहां पर आपको रिजल्ट दिया गया था। 16/7/2022 को जबलपुर में स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित कराई जाएगी। तो ये दोस्तों यहां पर PA पर्सनल असिस्टेंट वाला है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपका 16 जुलाई को मेंस का यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो आपको 8 जुलाई से आ जाएगा, इससे संबंधित मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब दोस्तों ये तो है एलिजिबल कैंडिडेट, जिनके यहाँ पर एलिजिबल है, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जरा से नीचे आएंगे हम, तो नीचे आएंगे तो एलिजिबल जो है एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर विज्ञापन की शर्तों के अनुसार 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा संलग्न नहीं किया है, उसके स्थान पर BCA की मार्कशीट संलग्न है। तो दोस्तों ये चीज़ गलत है, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट भी जानते हैं कि BCA 3 ईयर्स की डिग्री है और डिग्री आपकी यहाँ पर डिप्लोमा से बड़ी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ तो मैं भी नहीं मानने वाला हूँ कि यदि आपने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं लगाया है, उसकी जगह पर यदि आपने मार्कशीट लगाई है, तो मार्कशीट आपकी वैलिडेशन होती हैं, वैल्यूबल होती हैं, BCA हो या फिर MCA हो। लेकिन यहाँ पर बहुत जगह पे दिया गया है कि ऑनलाइन, जैसे ये दिया गया है, ये कागज़ नहीं भेजे तो इनका कोई मैटर नहीं है, ऑनलाइन प्रेषित दस्तावेज नहीं प्रेषित किए हैं, दस्तावेज प्रेषित नहीं किए हैं, BA स्नातक की अंकसूची अलग संलग्न नहीं की है, तो ये भी इनका एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर से यहाँ पर दिया गया है आपको 6वें नंबर पर, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा संलग्न नहीं किया, उसके स्थान पर BCA की मार्कशीट संलग्न की है। तो दोस्तों ये भी आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि आप डिग्री करते हैं तो डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट विज्ञापन के अनुसार नहीं है। तो ये हम मान सकते हैं कि इनका जो दिया गया है वो कैटेगरी में या फिर क्राइटेरिया में नहीं आता है। फॉर्म नंबर कॉलम 16 रिक्त छोड़ दिया गया, तो ये भी आपका यहाँ पर नॉर्मल है कि आपको ये चीज़ नहीं छोड़ना थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर निर्धारित प्रोफार्मा में दस्तावेज नहीं है, तो ये भी इनका गलत है। BCA MCA की मार्कशीट लगाई गई है, प्रकरण पंजीबद्ध होने पर जानकारी ऑनलाइन फॉर्म में नहीं दी गई है, दी गई है। तो दोस्तों ये भी चीज़ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसका नोटिफिकेशन की बात करें तो 17/8/2021 को ये जारी हुआ था, इसमें फॉर्म भरने से। और बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सिंपल सी दिया गया, ग्रेजुएशन होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास शॉर्ट हैंड होना चाहिए, और यहाँ पर 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा एप्लीकेंट फॉर द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो भारत मध्य प्रदेश सरकार से किसी भी उससे आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का। तो 1 ईयर का दोस्तों यदि है आपके पास, इसके नीचे भी दिया गया है कि उपरोक्त दर्शित अनुसार अर्थ कंप्यूटर अर्थ सहित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण हो, ये तो ठीक है। इसके बाद स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बीए बीकॉम बीएससी में एक विषय के रूप में कंप्यूटर, जबकि दोस्तों यहाँ पर BCA फुल डिग्री होती है, ओवरऑल सभी सब्जेक्ट उनके कंप्यूटर के ही होते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इसके लिए आप उनसे बात कीजिए, इनके जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर केवल यहाँ पर 24 कैंडिडेट को यहाँ पर इन एलिजिबल किया गया है, जिसमें से करीब 5 से 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका BCA की मार्कशीट लगाई है। BCA की मार्कशीट दोस्तों यहाँ पर डिग्री में आती है और ये डिप्लोमा से बड़ी होती है, ये चीज़ आप भी जानते हैं। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा संलग्न किया है, उसके स्थान पर BCA की मार्कशीट संलग्न की है। तो BCA की मार्कशीट दोस्तों चलती है, आपकी ग्रेजुएशन में भी चलती है और उसमें भी चलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर
कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा और भी हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे और भी हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपके लॉ की बात की जाए, तो यहाँ पर जो आपका राकेश यादव वाला यहाँ पर केस दिया गया है, तो यहाँ पर चैप्टर में दिया गया है कि द ऑल द रिट पिटीशन कॉमन देयर द नेचर पर्सनल असिस्टेंट या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ पर दिया गया 1.8 चैप्टर में कि जो व्यापम का पेपर था वो पटवारी वाला, यहाँ पर रिट पिटीशन को उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पर दिया गया है कि आप देख सकते हैं जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि 10-2 12वीं क्लास पास आउट हूँ, ओ लेवल सर्टिफिकेट हो फ्रॉम रिकोनाइज या डोएक से या नीलेट से, 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA इंस्टीट्यूट बाय द रजिस्टर्ड या रिकोनाइज यूनिवर्सिटी विद द यूनिवर्सिटी रिकोनाइज बाय द UGC इन हायर एजुकेशन। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है और हायर एजुकेशन इन कंप्यूटर, तो दोस्तों यहाँ पर पिटीशन के अनुसार भी इन्होंने दिया है कि हायर एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, द प्रेसिडेंट द एप्लीकेशन या फिर ग्रेजुएट कॉमर्स। तो ये चीज़ तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी है कि एज ए सब्जेक्ट वाला नहीं चलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हायर एजुकेशन दिया गया है तो ये आपका चलना चाहिए। यहाँ पर BSc कंप्यूटर साइंस से हो तो भी चलती है, लेकिन BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन से हो तो यहाँ पर नहीं चलती है। तो ये आप देख सकते हैं इनका जो फुल जजमेंट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दिया गया है कि आप यहाँ पर कंप्यूटर योग्यता में आपका नहीं माना जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे अगर रिट पिटीशन की बात करते हैं तो 1925/2010 यहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ पर आप केस स्टेटस में जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं इस केस को। चलिए हम देख लेते हैं, रिट पिटीशन वाला है तो रिट पिटीशन में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपके लिए 1925 लिखना है, यहाँ पर 2010 लिखना है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर यदि आपको जजमेंट दिखाई देता है 265 यहाँ पर हम करेंगे सो करेंगे तो दोस्तों केस तो ये सही है, यहाँ पर वही चीज़ खुल रही है जो यहाँ पर दी गई है, राकेश यादव विरुद्ध या कंचदीलाल यादव और बाकी ये दिया गया है यहाँ पर। लेकिन जजमेंट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जजमेंट की आपको कोई भी PDF नहीं दिखाई देती है जिसमें स्पष्ट तरीके से आपको यहाँ पर जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे यदि जजमेंट ऑर्डर यहाँ पर आपको मिलता है तो उसमें सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करके दी जाती हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी की बात करें तो थर्ड पार्टी ने यहाँ पर बताया है कि आपको यहाँ पर हायर एजुकेशन आपकी मान्य होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर 16 जुलाई को देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं उनसे और ये कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या ऐसा पर्सनल असिस्टेंट के बाद दोस्तों आपका एस्टेनो या फिर AG3 में हो सकता है? यदि ऐसा लगता है तो आप लोग अभी से ध्यान दे लीजिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि जब भी आपको फॉर्म का फॉर्मेट मंगाया जाएगा तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। जो भी आपकी गलतियाँ हों जो इसमें दी गई हैं वो गलतियाँ आप यहाँ पर इसमें आपकी सहायक रेट 3 वाले फॉर्म में या एस्टेनो वाले फॉर्म में गलती ना करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद।